श्री गणेशाय नमः। सकट चौथ का पर्व माघ माह की कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकटहरण गणेश जी तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है। सभी महिलाएं सुख सौभाग्य और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर विशेष रूप से सकट चौथ के दिन व्रत करती है। पद्म पुराण के अनुसार सकट चौथ पर मिट्टी से बने गौरी, गणेश और चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन सकट माता की पूजा भी की जाती है। शब्द सकट का अर्थ है संकट। इस दिन गणपति ने देवताओं का संकट दूर किया था। इसे संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माघी चतुर्थी, माही चौथ, तिलकुटा चौथ और संकटा चौथ भी कहा जाता है। इस बार सकट चौथ मंगलवार 10 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। सबसे पहले हम सकट चौथ पर की जाने वाली पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सकट चौथ के एक दिन पहले ही महिलाओं को सात्विक भोजन करना चाहिए। फिर इसके बाद सकट चौथ वाले दिन सुबह जल्दी से उठकर स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करते हुए गंगाजल का छिड़काव करें और सुबह की पूजा करते हुए और व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। ध्यान रहे कि उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा, पुष्प, रोली, फल, मोदक, लड्डू का भोग व पंचामृत चढ़ाएं। अब गणाध्यक्ष भगवान गणेश को जल, तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू, तिलकुट, ईख, शकरकंद, अमरूद, गुड़, घी, पान व धूप आदि अर्पित करें। इसी के साथ गंग गणपते नम मंत्र इसका जाप करें। सिद्धि विनायक भगवान गणेश की पूजा के समय गणेश स्तुति, गणेश चालीसा के साथ ही संकष्टी चतुर्थी व्रत की कहानी सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन की पूजा में गणेश मंत्र का जाप करना बेहद फलदायी बताया गया है। गणेश मंत्र का जाप करते हुए 21 दुर्वा भालचंद्र भगवान गणेश को अर्पित करना भी बेहद शुभ होता है। चंद्रोदय के पश्चात हाथ में जल और तिलकुट लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दे और प्रणाम करके संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद मांगे। एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रख कर घर के बड़ों के पैर छूकर उन्हें दे। पूजन के बाद लड्डू प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। सकट चौथ की पूजा के पश्चात आप अपनी सामर्थ्यानुसार गर्म कपड़े, कंबल आदि दान करें तो बेहतर रहता है। इसके अलावा इस दिन तिल, गुड़ या अन्य तरह की मिठाई का भी दान किया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं सकट चौथ व्रत के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लहसुन और प्याज ये दोनों ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल खाने में लगभग हर घर में होता है। अगर आपके घर में बुद्धि विधाता गणेश जी की स्थापना की है तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि भोग बनाते हुए लहसुन और प्याज का उपयोग करने से बचना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे गणेश जी नाराज हो सकते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा घास बहुत ही प्रिय होती है, ऐसे में उनकी कृपा पाने के लिए पूजा में उन्हें दूर्वा घास जरूर अर्पित करें। अगर आप इस साल अपने घर गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, तो नई मूर्ति ही खरीद कर लाएं। अगर आपके पास कोई पुरानी मूर्ति रखी है तो उसे विसर्जित कर दें। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि घर में भगवान गणेश जी की दो मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर देवादेव भगवान गणेश की मूर्ति के पास अंधेरा है तो ऐसे में उनके दर्शन न करें। दर्शन करने से पहले वहां अच्छे से लाइट की व्यवस्था हो, इस बात को सुनिश्चित कर लें। अंधेरे में भगवान की मूर्ति के दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है। किसी भी तरह का शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान करते समय काले रंग के कपड़े पहनना वर्जित माना जाता है। ऐसे में सकट व्रत करते समय महिलाएं भूलकर भी काले रंग के कपड़े न पहने। इस दौरान महिलाएं पीले या लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा।
सकट चौथ व्रत के दौरान भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। ऐसे में जब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अर्घ्य के दौरान आपके पैरों में जल के छींटे न पड़े। सकट चौथ व्रत तभी पूरा होता है जब गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए उन्हें अर्घ्य दिया जाए। ऐसे में भूलकर भी बिना चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किए व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं सकट चौथ की तिथि व शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी का व्रत रखा जाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहा जाता है। यह तिथि इस बार मंगलवार 10 जनवरी 2023 को दोपहर 12:08 पर शुरू होगी, जो अगले दिन बुधवार 11 जनवरी 2023 दोपहर 2:32 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ 2023 का व्रत मंगलवार 10 जनवरी को रखा जाएगा। 10 जनवरी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः 7:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:54। आज के दिन चंद्रोदय रात 8:41 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा प्रातः 5:16 से प्रातः 6:04 तक और अमृत काल का समय रहेगा प्रातः 7:13 से प्रातः 9:01 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा मध्याह्न 11:59 से दोपहर 12:43 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 3:00 से शाम 4:30 तक। दोस्तों, शीघ्र ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।